देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है। तो आपके घर में अगर रहेगा तो आपके घर के जिस कोने में इस पौधों को रखेंगे उसकी शोभा को बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो मेरी सलाह है कि इन खूबसूरत से पौधों को अपने गार्डन में पक्का शामिल करिए। दोस्तों मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज बड़े दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, बहुत बिजी थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो आज मैं अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं दो बहुत ही खूबसूरत से पौधे, जिसमें से एक आप मेरे पीछे लगा हुआ देख रहे होंगे, जिसे कहा जाता है क्रोटॉन का पौधा, देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है, इस पौधे से संबंधित जानकारी। और दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जिसे सिंगोनियम कहा जाता है, इस पौधे से संबंधित जो जानकारी मुझे पता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यानी क्रोटॉन और सिंगोनियम, ये दोनों पौधे जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं उनके गार्डन में आप लोगों को पक्का देखने को मिलेगा। इस पौधे की क्या खासियत है, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है, साथ ही साथ अगर आप नर्सरी से खरीदो तो ये पौधे आपको कितने में मिलेंगे, कौन सी विशेष सावधानियां इन पौधों में हमें रखनी चाहिए, और इन पौधों को अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में पक्का जुड़े रहिए। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोनों पौधों से संबंधित मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं दोनों पौधों से संबंधित जो जानकारी मुझे पता है आपको अक्सर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जो दो बहुत ही खूबसूरत से पौधों की जानकारी आज आप लोगों के साथ मैं देने वाली हूँ, उसमें से देखिए एक ये पौधा है जिसको कहा जाता है सिंगोनियम का पौधा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पौधा है, कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं। इस पौधे में फूल नहीं आते हैं लेकिन इसकी पत्तियाँ किसी फूल से कम नहीं हैं, फूल से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा लगता है। इसको अगर अपने गार्डन में आप कहीं रख दीजिए तो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। इस पौधे की अगर मिट्टी की बात करूँ तो एकदम नॉर्मल मिट्टी में आप देखिए एकदम गार्डन की मिट्टी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा रिवर्स सैंड मिलाया है और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के मैंने इसको लगा दिया है। और गमले की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा निकल चुकी हैं, इसको मुझे रिपोर्ट करना है दूसरे गमले में। तो ये जो है ये कार्टून है, टीवी फ्रिज वगैरह हम जब लेते हैं तो उसके साथ जो कार्टून आता है उसी कार्टून में मैंने बस मिट्टी डाली और डाल के इस पौधे को लगा दिया। और देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है और मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला ये पौधा। इसको अगर हम बात करें कैसे लगाया जाता है तो ये पौधा बहुत आसानी से कटिंग से लग सकता है। देखिए ये वाला मैंने कटिंग से लगाया है और ये वाला भी मैंने कटिंग से लगाया है। एक पौधे को लगाने के बाद देखिए इसमें नीचे से कई सारे ऐसे नए नए पौधे निकलते रहते हैं, बस आप इसको अलग करके किसी भी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। तो ये पौधा लगाना बहुत ही आसान है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। कहीं पे भी ये पौधा हो तो उसकी एक आप ऐसे नीचे से एक टहनी निकाल लीजिए और लगा के किसी भी नॉर्मल मिट्टी में आप लगा दीजिए गार्डन में ज़मीन पर, बहुत आसानी से ये पौधा चल जाएगा। अगर इसकी खाद की बात की जाए तो जब मैंने इस पौधे को लगाया था तभी मैंने इसमें रिवर्स सैंड और अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाकर लगा दिया था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं इसमें सरसों की खली देती रहती हूँ और इसके अलावा मैं कोई विशेष खाद इस पौधे में नहीं देती हूँ। एक दो महीने पे मैं सरसों की खली भिगो के इस पौधे में देती हूँ। अपने सभी पौधों में विशेष करके सरसों की खली प्रयोग करती हूँ क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं और घर पर सरसों होती है तो बहुत आसानी से सरसों की खली हम लोगों को मिल जाती है और वो सबसे अच्छा खाद मेरे लिए तो वही रहती है। और इस पौधे में मैं उसके अलावा कोई विशेष खाद नहीं देती हूँ, सिर्फ पानी और सरसों की खली। और देखिए कितना खूबसूरत से मेरा यह पौधा चल रहा है। इस पौधे की पानी की बात की जाए तो इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना चाहिए। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, ड्राई हो जाए, कम से कम एक हफ्ते या 7-8 दिन के बाद तभी इसमें हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी हम देंगे तो ये पौधा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। और गमले की मिट्टी आपकी ऐसे रहनी चाहिए कि आप पानी दें और पानी देने के बाद वो तुरंत नीचे से निकल जाए, मतलब पानी इसमें ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी टिकेगा तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो बस बहुत सिंपल सा ये पौधा, मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको कटिंग से लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे बस कटिंग से लगाने का सिंपल सा ये तरीका है, यहाँ से आप इसको उखाड़िए और कहीं पर भी मिट्टी में आप लगा दीजिए, ये पौधा बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए दोस्तों सिंगोनियम का पौधा जो आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा, इसको आप अपने गार्डन में पक्का शामिल कीजिए। कहा जाता है क्रोटॉन का पौधा, ये जो है ये गोल्डन डस्ट क्रोटॉन का पौधा है। गोल्डन डस्ट क्रोटॉन क्यों कहा जाता है तो अगर आप इसकी पत्तियों को देखें तो इसकी पत्तियों पे लगेगा कि हरे रंग की पत्तियों पे किसी ने पीले रंग के पेंट से छिटकारा मार दिया है या गोल्डन कलर से छीटा मार दिया है, इसी कारण इसको गोल्डन डस्ट कहा जाता है। और इसी कारण ये पौधा देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए ये मेरा पौधा
मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ ये खूबसूरत सा पौधा कि कितना घना है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पौधा इतना खूबसूरत है कि इसके आगे फूल भी फेल है, यानी बहुत खूबसूरत ये पौधा। इसको भी अगर बात की जाए तो ये पौधा भी बड़ी आसानी से कटिंग से लग जाता है। कटिंग से लगाने के लिए आप ऐसी एक शाखा इसको 6-7 लगभग 5 या 6 इंच के टुकड़ों में तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद नॉर्मल आप जो बालू होता है रिवर सैंड बस उसमें इसको गाड़ दीजिए और किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए और हमेशा पानी देते रहिए। बड़ी आसानी से 1 महीने में इसकी कटिंग या 20-25 दिन में इसकी कटिंग आपकी तैयार हो जाती है और पौधों से नई नई शाखाएँ निकल जाती हैं। और किस मौसम में इसकी कटिंग आप लगाएं तो खास करके बारिश के मौसम में अगर इसकी आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी और बहुत जल्दी इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। अगर इस पौधे की मिट्टी की मैं बात करूं तो इस पौधे की मिट्टी में भी वही गार्डन सॉयल, रिवर सैंड और थोड़ी सी गोबर की खाद, तीनों चीज़ों को मिलाकर बराबर मात्रा में मैंने गमले में भर दिया था और उसमें मैंने लगा दिया था। इस पौधे के फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पौधा होता है इसको थोड़ी सी एसिडिक क्रे मिट्टी यानी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है, तो उसके लिए मैं जब भी अपने घरों में नींबू या संतरा वगैरह प्रयोग करती हूँ तो इसके छिलकों को एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, यानी छिलकों को किसी एयरटाइट डब्बे में पानी भर के उसमें डाल देती हूँ और फिर 1-2 महीने के बाद उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको 1 महीने पर इसमें अप्लाई करती रहती हूँ। और बस इसके अलावा मैं कोई विशेष खाद इसमें नहीं देती हूँ। और देखिए पौधा कितना खूबसूरत था। अगर मैं बात करूं इस पौधे को आप कैसे रख सकते हैं तो ये पौधा आपका इंडोर और आउटडोर दोनों ही चल जाता है। अगर देखें आप तो ये पौधा देखिए मेरा छत पे लगा हुआ है, यानी आउटडोर है, आउटडोर भी बहुत अच्छा चलता है इंडोर। बस इंडोर रखने पे एक फ़र्क ये पौधे में आता है कि इसमें जो पीला वाला भाग है ये कम रहता है और पौधे की पत्तियाँ हरी ज़्यादा रहती हैं, और अगर आप धूप में रखेंगे तो ये जो इसमें पीला वाला पोर्शन है ये ज़्यादा रहता है। बस इतना सा फ़र्क पड़ता है। और वैसे ये पौधा इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत अच्छा से चलता है। अगर आप इंडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे मतलब सूर्य की पर्याप्त रोशनी, कम से कम 1-2 घंटे की रोशनी या प्रकाश इसको मिलता रहे, तो ये पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। पानी इस पौधे को बहुत अधिक नहीं चाहिए रहता है। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी आपको सूखी लगे तो 4 दिन में 5 दिन में आप इसमें पानी अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, और बहुत नॉर्मल यह पौधा और बहुत खूबसूरत सा ये पौधा आपके गार्डन में आराम से चलेगा। दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में मैं इन दोनों पौधों की कटिंग लगाना आपको पक्का बताऊंगी, क्योंकि आज अगर बता रही हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा और ये दोनों मेरे गार्डन में लगे हुए सिंगोनियम और कुटॉन का पौधा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बहुत ही खूबसूरत से क्रोटॉन और सिंगोनियम के पौधे आप लोगों को कैसे लगे और इसकी जो मैंने जानकारी दी वो आप लोगों को कैसे लगे। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये घर के जिस कोने में रहते हैं उस कोने की पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। तो इन पौधों को लगाइए, अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी यानी खुशियों को बढ़ाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।